थाना घाटमपुर के ग्राम भद्रेस में कल सुबह एक 7 वर्षीय बच्ची का शव बरामद हुआ था। इस संबंध में थाना घाटमपुर पर 302-201 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना के खुलासे के लिए कई टीमें लगाई गईं। इस दौरान ये जानकारी हुई कि जो पीड़ित परिवार है उसके पड़ोस में ही रहने वाले बीरन और अंकुल नाम के दो लोग हैं, दो लड़के हैं जो इस घटना में शामिल हो सकते हैं, उनको संदेह के आधार पर उठाया गया। और जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि हाँ, उन्होंने ये घटना से किया है और इस घटना को करने में उसके लिए परशुराम जो उनका चाचा है, अंकुल का चाचा है, उसने कुछ पैसे बीरन को और अंकुल को दिए थे। इस घटना को करने के पहले चूंकि दोनों ने शराब पी थी, इसलिए जाने के बाद वहाँ उस लड़की से दुष्कर्म भी करने का प्रयास किया गया और इसके बाद उसे उसको काट करके और उसका लीवर लगा करके परशुराम को दिया गया था। उसने बताया कि ये काम इसलिए किया गया क्योंकि परशुराम की शादी वर्ष 1999 में हुई थी, तब से उसको कोई बच्चा नहीं हुआ था, इसलिए परशुराम के कहने पर उनके भतीजों ने तो उससे कुछ पैसे लेकर के इस घटना को अंजाम दिया है। परशुराम और उसकी पत्नी, वो उसको भी घटना की जानकारी थी और शामिल थी, उन दोनों को भी हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है, उनसे अभी गहनता से पूछताछ जारी है। अंकुल और बीरन को जेल भेज दिया गया है और इस संबंध में जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो अमल में ले आएंगे।